सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अपने हेयर में ऑयल पेंट कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑयल पेंट जैसे कि इस टाइप का हेयर हम कैसे बनाते हैं, इतना हेयर में चमक कैसे लाते हैं, ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं इस वाले फेस में भी ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे है। ऑयल पेंट बहुत काफ़ी अच्छा लगता है हमको, तो इस टाइप का ऑयल पेंट अपने आप भी अपने फ़ोटो में बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें का ऑयल पेंट और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें का ऑयल पेंट कैसे इतना वाइट होता है, कैसे इतना क्लियरिटी आता है अपने हेयर में, ये सारा चीज़ इस वीडियो में एक एक स्टेप बताएंगे। आप लोग जिस एप्लीकेशन से करते हैं वो एप्लीकेशन से होता है, लेकिन उसमें कुछ सेटिंग्स होता है जो आपने अभी तक नहीं किया है। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक लाइक भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है हमको एक वीडियो बनाने में। तो हम सबसे पहले किस फ़ोटो पे बनाते हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए गाइस, हम इसी फ़ोटो पे ऑयल पेंट आपको करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस फ़ोटो को शेयर करना है अपने टूल वीज एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से देख सकते हैं हम फोटो को शेयर करते हैं अपने टूल वीज एप्लीकेशन में, ठीक है। टूल वीज ये रहा एप्लीकेशन जो कि आप लोग को ईजिली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है, अगर आपको दिक्कत होता है, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें आने के बाद देख सकते हैं हम टूलवेज एप्लीकेशन में आ चुके हैं। इसमें अपने फ़ोटो को शेयर करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। तो इसमें जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा होगा इफेक्ट का, ठीक है। तो इफेक्ट पर हमको क्लिक करना है। इफेक्ट पर अगर क्लिक करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है सॉफ्ट स्मज का, इस पर क्लिक कर लेंगे। और इसमें क्लिक करने के बाद हम लोग इसमें 6 नंबर वाला, ये वाला 6 या 7 नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे। और इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर टैप करने, उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मास्क, तो मास्क पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को क्लिक, इस पर क्लिक करना है क्लीन वाला पे, तो क्लिक कर दिए। और उसके बाद से सिंपली फ़ोटो को कर लेना है जूम और अपने हेयर पर ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करना है। देखिए ऑयल पेंट का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके एकदम ड्रॉ कर लेना है, जो कि मैं देख सकते हैं एकदम अच्छे से कर रहा हूँ। तो अभी करने के बाद अभी ये मत घबराइए कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये ज़्यादा लगता ही है, बट होता ये कम ही है, ठीक है ना। अभी डन करेंगे तो कम हो जाएगा अपने आप। देखिए हम डन करते हैं और देखिए काफ़ी अच्छा हो गया, देख सकते हैं थोड़ा सा कम हो गया, पहले ज़्यादा दिख रहा था। तो ये ऑयल पेंट का इफेक्ट हम लोग यहीं सेट करते हैं। उसके बाद से फ़ोटो में इतना ज़्यादा चमक कहाँ से आता है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो मतलब कि फ़ोटो पे चमक यानी कि हेयर पे चमक कैसे आता है, तो हम लोग फ़ोटो को सिंपली यहाँ से कर लेंगे सेव। और फ़ोटो को सेव करने के बाद इसी फ़ोटो को हम लोग लेके चलेंगे स्नैपसीड में, जो कि मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। यहाँ से शेयर मोर पे क्लिक करूँगा और चलूँगा इसको स्नैपसीड में लेके, ठीक है ना। और फिर वहाँ पर आप लोग को दिखाऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कि इतना चमक आ जाता है। तो स्नैपसीड में हम फ़ोटो को ओपन कर दिए हैं, ठीक है। इसमें आने के बाद देख सकते हैं सिंपली सबसे नीचे टूल का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको 100% इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और नीचे वाला भी शार्पिंग है, इसको भी 100% इंक्रीज़ करेंगे। और फिर से यहाँ पे व्यू एडिट पे जाके और डिटेल पे बीच में जो ब्रश वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है और फ़ोटो को कर लेना है जूम। और ऐसे करके हेयर पर बस अपने अप्लाई कर लेना है। अभी देखिए साइड साइड चमक भी आ जाएगा और वाइट भी हो जाएगा पहले से। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं अभी डन कर दिया हूँ। अभी देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं चमक आ चुका है हमारे फ़ोटो में। मेरा बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की है, इसके लिए मेरे में समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को उतना। तो अगर आपका होगा अगर उस टाइप का बाल तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो बस यही था, उसके बाद से हम लोग लास्ट में इसका यूज़ कर लेते हैं पोर्ट्रेट का, तो फ़ोटो हमारा थोड़ा सा और ब्राइट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, तो देखने में थोड़ा और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो बस यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।